एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISSB ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन। मैं हूँ इरफान खान। सो आज इनिशियल के हवाले से कुछ पढ़ते हैं। इनिशियल के हवाले से ये वीडियो है। डायरेक्शन क्वेश्चंस आप लोग को नज़र आ रहे हैं कि जो वर्बल में जो डायरेक्शन क्वेश्चंस होते हैं तो उसके हवाले से पढ़ेंगे। इसके मुताबिक तकरीबन कोई 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि कोई बंदा वेस्ट की तरफ गया, फिर ईस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया, तो उनको समझ नहीं आते कि किस तरह के क्वेश्चन है। हालांकि होता ईजी है, ट्रिक्स उनको नहीं आते, इस वजह से जो है वो टेस्ट फेल कर लेते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं। सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, असलम वेंट फ्यू माइल टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टेक राइट एट राइट एंगल एंड अगेन राइट एट राइट एंगल, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि असलम वेंट फ्यू माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि असलम जो है, फॉर एग्जाम्पल, ये असलम है, ठीक है। असलम जो है अभी कहाँ है, नॉर्थ पे आया हुआ है। असलम वेंट फ्यू माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ पे आ चुका है असलम। देन ही टेक राइट एट राइट एंगल, फिर उसने क्या किया, वो राइट एट राइट एंगल वो मूव हुआ आगे, यानी कि वो राइट एंगल पे जब जाएगा, ये इसका राइट एंगल है, तो वो कहाँ आ गया है, ईस्ट पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये राइट एट राइट एंगल आया है, मूव किया है इसने, तो ये ईस्ट पे आ गया है। राइट एट राइट एंगल एंड अगेन राइट एट राइट एंगल, फिर उसने दोबारा जो है वो राइट एट राइट एंगल जो है वो मूव हुआ है वंस अगेन। तो हम देखते हैं कि जब ये आगे मूव होगा अगेन राइट एट राइट एंगल, तो इसका राइट एंगल ये आ रहा है, तो वो कहाँ आ गया है, साउथ पे आ गया है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया है ना कि जो असलम है वो अभी साउथ पे जो है वो वॉक कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, साउथ। अच्छा, हमें कैसे पता चला, असलम वेंट फ्यू माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ पे आया, देन ही टेक राइट एट राइट एंगल, उसने राइट एंगल, ये असलम का राइट एंगल है, ये जो आ रहा है, अगर लेफ्ट का बोलेंगे तो फिर हम ऊपर से जाएंगे, ये उसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट एंगल है, यानी कि क्लॉकवाइज, तो वो राइट जा रहा है, तो जब वो राइट आया तो वो ईस्ट पे है। एंड अगेन राइट एट राइट एंगल, दोबारा जब उसने जो है वो मूव किया राइट एट राइट एंगल, तो वो साउथ पे आ गया। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, क्योंकि वो साउथ पे, तो अभी वो साउथ पे वॉक कर रहे हैं, तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, असलम वेंट फ्यू माइल्स टूवर्ड्स साउथ, पहले क्या था, टूवर्ड्स नॉर्थ, अभी है साउथ, ठीक है। देन ही टेक राइट एट राइट एंगल, पहले उसने क्या किया, राइट एट राइट एंगल वो मूव हुआ, ठीक है। एंड अगेन लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल, फिर वो दोबारा मुड़ा लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल की तरफ, ठीक है, पहले राइट एट राइट पे मुड़ा, फिर लेफ्ट एट लेफ्ट पे मुड़ा, ये असलम क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि असलम ने स्टार्ट कहाँ से लिया, असलम वेंट फ्यू माइल्स टूवर्ड्स साउथ, ये असलम है, ठीक है, असलम जो है उसने फ्यू माइल्स टूवर्ड्स साउथ वो चला गया, ये असलम यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो मूव किस साइड पे हुआ है, आया वो राइट पे मूव हुआ है या लेफ्ट पे मूव हुआ है। देन ही टेक राइट एट राइट एंगल, जब हम उसको राइट, ये इसका राइट आ रहा है, सॉरी ये इसका राइट आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, असलम का राइट ये है, जब उसने यहाँ पर मूव किया तो वो वेस्ट पे आ गया, ठीक है। एंड अगेन लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल, उसने दोबारा क्या किया, लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल पे किया हुआ है, तो हम उसको असलम जो कि यहाँ आया था, हम इसको लेफ्ट एट लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट कहाँ से आएगा, इसका लेफ्ट यहाँ आएगा, तो असलम दोबारा साउथ पे आ चुका है, यानी उसने जहाँ से स्टार्ट लिया था वापस वहीं पे है, क्योंकि असलम वेंट फ्यू माइल्स टूवर्ड्स साउथ, ये साउथ पे पहले से मौजूद है, साउथ पे वो आ चुका है। फिर उसने राइट मूव किया है, देन ही टेक राइट एट राइट एंगल, उसने जब राइट मूव किया तो वेस्ट पे पहुंच गया, ठीक है। अब एंड अगेन लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल, जब उसने दोबारा लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल पे गया तो ये वापस पीछे है, क्योंकि इसका लेफ्ट ये आ रहा है, तो दोबारा किस डायरेक्शन पे आया, साउथ पे, तो उसका आंसर क्या हुआ, साउथ। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसमें आपको एक बार बताता चलूँ कि इसमें माइल्स में भी आ सकते हैं, किलोमीटर्स में भी आ सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि फहीम वेंट 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, चाहे वो 10 किलोमीटर जाए, चाहे वो 100 किलोमीटर जाए, चाहे वो 200 किलोमीटर जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
हमने इनको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा काम किस चीज़ से है? डायरेक्शन से। चाहे वो जितने भी किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाए, जितने भी किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाए, हमें उससे काम नहीं है। हमें किस चीज़ से काम है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, फहीम वेंट 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। चले, फहीम कहाँ चला गया? 10 किलोमीटर ईस्ट पे। इसका मतलब ये कि फहीम अभी यहाँ ईस्ट पे मौजूद है। ठीक है, लेट्स मूव। देन ही टेक लेफ्ट। उसने क्या किया? लेफ्ट लेफ्ट वो मूव हुआ। ठीक है, एट लेफ्ट एंगल। चलो, फहीम का जो है वो हम देखते हैं कि इसका लेफ्ट क्या है। ये इसका, अगर ये इस साइड जाएगा तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हम इसका देखेंगे कि लेफ्ट कौन सा है। यू आर स्टॉक। ओके, सो फहीम तो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ईस्ट पे वो पहुंच चुके हैं। अभी वो लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, फहीम यहाँ पे मौजूद है। चलो, हम उसको लेफ्ट मूव करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन ही टेक लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल। ओके, फहीम यहाँ से जा रहे हैं लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल, यहाँ आ गए। किस डायरेक्शन पे फहीम अब जो है वो नॉर्थ पे है। ये फहीम है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पे आ चुका है फहीम। अब हम देखते हैं कि आगे वो किस तरफ टेक कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ मूव कर रहे हैं। एंड अगेन लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल। तो उसने अगेन वो लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल मूव हुआ है। तो हम उसको फहीम को लाते हैं, ये फहीम है, हम उसको आगे लाते हैं। ये आ गया फहीम। कहाँ आ गया है फहीम? वेस्ट पे आ चुका है। ठीक है, फहीम इस डायरेक्शन पे पहुंच चुका है। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ? ही इज वॉकिंग नाउ इन, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? वेस्ट पे। तो इसका आंसर क्या हुआ? वेस्ट। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन हो गए। ये तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा था। अब इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ, जो शॉर्ट में, कि इसको शॉर्टकट जो है आप लोग डायरेक्ट कैसे आंसर दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता है। 84 क्वेश्चन होते हैं, वर्बल में 30 मिनट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि टाइम किस तरह मैनेज कर ले, और इसके जो है कोई कोई शॉर्ट ट्रिक कि हमें जो इस तरह वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ पे उसको मूव ना करना पड़े, डायरेक्ट हमें आंसर मिले। तो उसके जो शॉर्ट कीज है, जो ट्रिक्स है, वो बताता हूँ, ताकि आप लोग के लिए 7 से 8 क्वेश्चन ईजिली आप लोग कर सको। सो देखते हैं वो ट्रिक्स। ओके, सो आप लोग को ये बताता चलूँ कि इफ़ अ पर्सन विल गो टूवर्ड्स ईस्ट और टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर कोई बंदा जो है वो टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर उसने 2 दफ़ा राइट एट राइट एंगल लिए, तो याद रखना कि उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इट मीन्स इज फाइनल डेस्टिनेशन और डायरेक्शन इज टूवर्ड्स साउथ। कैसे हम प्रूव करेंगे? जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि असलम जो है वो 2 बार राइट एट राइट एंगल उसने टेक किया था। पहले असलम आया था नॉर्थ पे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पे आता। उसने एक बार फॉर एग्जाम्पल राइट पे वो आया। सो अगर ठीक है, यहाँ पे जो है वो असलम आ चुके हैं, अगर उसने दोबारा राइट एट राइट एंगल लिया तो वो साउथ पे पहुँच गया। ठीक है, यानी कि उसने 2 बार, पहले वो एक बार उसने जो है राइट एंगल पे वो मूव हुआ था, फिर अगेन एट राइट एंगल। अगर एक बंदा आ गया, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, अगर असलम साउथ पे जा रहा है, उसका स्टार्ट यहाँ से, यहाँ से वो जा रहा है लेफ्ट पे, ठीक है, कि असलम लेफ्ट, असलम वेंट लेफ्ट एट लेफ्ट एंगल, एक बार हुआ तो चलो वो ईस्ट पे आ गए। अगर उसने अगेन लेफ्ट एट लेफ्ट पे हुआ, तो समझो कि वो यहाँ नॉर्थ पे आ गया। तो साउथ का जो है वो उलट के नॉर्थ है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि इफ ईस्ट इट मींस वेस्ट, इफ वेस्ट इट मींस ईस्ट, इफ साउथ इट मींस नॉर्थ। यानी ये एक दूसरे का उलट आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि उसमें हम 2 दफ़ा किसी को जो है, या एक दफ़ा लेफ्ट लेते हैं, एक दफ़ा राइट लेते हैं। चलो, असलम जो है वो एक दफ़ा वेस्ट पे जो है उसने मूव किया, फिर उसने क्या किया कि उसने राइट एंगल लिया। क्या लिया? राइट एंगल। राइट एंगल पे वो मूव हुआ। एंड अगेन ही टेक लेफ्ट, उसने दोबारा लेफ्ट लिया। तो उसका लेफ्ट जब उसने दोबारा ले लिया, एक बार राइट एक बार लेफ्ट लेगा, तो वापस जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट ली थी उसी डायरेक्शन पे वापस आएगा। जैसे कि उसने वेस्ट से स्टार्ट ली थी, उसने राइट मूव किया तो नॉर्थ पे आया, दोबारा लेफ्ट मूव किया तो वेस्ट पे आया। यानी कि याद रखो कि अगर एक बंदा 2 दफ़ा जो है वो राइट एट राइट एंगल जा रहा है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ जाएगा। अगर एक बंदा जो है राइट पहले ले रहे, वापस लेफ्ट पे जा रहे, फिर भी वो अपने डायरेक्शन पे आएगा। अगर वो एक दफ़ा इधर आया, 2 दफ़ा उसने राइट लिया, यानी कि एक दफ़ा हुआ फिर 2 दफ़ा हुआ, तो याद रखना ये जो वेस्ट से स्टार्ट हुआ था उसका जो उलट है वो ईस्ट आएगा। अगर वो जो है 2 दफ़ा लेफ्ट ले रहे हैं यहाँ से, यानी एक दफ़ा लेफ्ट लिया, दूसरी दफ़ा लेफ्ट लिया, तो भी वेस्ट का जो है उलट ईस्ट है, तो ईस्ट आएगा। ओनली एक एक्सेप्शन है जिस पे वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगा जहाँ से स्टार्ट
उसने लिया था वो तब आएगा अगर उसने एक बार राइट लिया वापस दोबारा लेफ्ट लिया, तो इस कंडीशन में वो वापस अपने जहाँ से उसने स्टार्ट किया तो उसी पे आएगा। बाकी सारे कंडीशन में वो क्या करेगा, दो दफ़ा मूव करेगा या तीन दफ़ा, दो दफ़ा मूव करेगा तो डबल मूव करता है अक्सर। अगर दो दफ़ा मूव करेगा तो जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट लिया था उसका जो उलट डायरेक्शन होगा उसका ये आंसर आएगा। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पर जो है वो आप लोग कभी भी तुक्का ना लगाओ, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो और ये चीज़ें अप्लाई कर लो। स्पेशली ये जो मैंने डिटेल्स लिखे हुए ये अप्लाई कर लो, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल, और भी वीडियोज़ आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।